कब होगा सब पहले जैसा मैं, कब मोटेराऊंगा। छू कर तेरे चरणों को गुरुवर, तेरा दर्शन पाऊंगा। कब होगा सब पहले जैसा मैं, कब मोटेराऊंगा। कब होगा सब पहले जैसा मैं, कब मोटेराऊंगा। आके जिसके द्वार पे गुरुवर, झुकता था संसार खड़ा। मैं हूं यहां और आप वहां पर, सूना पड़ा संसार मेरा। तेरे दर की चढ़कर सीढ़ियां मैं कब तुझे भजन सुनाऊंगा। कब होगा सब पहले जैसा मैं, कब मोटेराऊंगा। पुकारते जाएं थोड़ी देर, दिल की गहराइयों से, हमारे दिल की गहराइयों की आवाज ही हमारे सदगुरु तक पहुंचेगी। हे बापू जी, हर पूनम को हम राह तकते हैं। जब भी पूनम आती है बापू, आपकी बहुत याद आती है। दौड़े दौड़े हम जाते थे, क्या दिल्ली, क्या अहमदाबाद, क्या सूरत, क्या बड़ौदा, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, जहां भी देश के कोने कोने में हो बापू, हम दौड़े दौड़े आते थे और महीना इंतजार करते थे। एक महीने की पूनम भरी कि नहीं भरी और दूसरे महीने की पूनम का हम इंतजार करते थे। हर महीने जाते थे और हर दिन हर पल गुरु का चिंतन और गुरु का ध्यान होता था। साधना करनी नहीं पड़ती थी, साधना तो हर महीने अपने आप होती थी गुरुदेव। आज भी हम राह तक रहे हैं, हर पूनम को राह तकते हैं, इंतजार करते हैं फिर से वो वेला आ जाए। राह तके हर पूनम की, वो वेला कब आएगी। कैसे होगा कैसे होगा गुरु मिलन, अब आंखें भी भर आई हैं। तू ही आ जा, सतगुरु प्यारे, काहे को देर लगाई है। कब होगा सब पहले जैसा मैं,
कब मोटेरा बापू। आपके दर्शन के लिए लोग जाते हैं, पूनम को पहुंचते थे लोग, और जब कोई लंबी यात्रा करके पहुंचता था कई बार दर्शन नहीं हो पाते थे। बापूजी सुबह तो दर्शन देते थे, शाम को भी दर्शन दे करके चले जाते थे। सत्संग पूरा हो जाता था और बापूजी एकांत किसी आश्रम किसी कुटिया में विराजमान होते थे। लोग पूछते पूछते रात के अंधेरों में भी किसी को गाड़ी मिलती नहीं, वहाँ की किसी को रास्ता नहीं पता, लेकिन भक्त फिर भी अपने भगवान को खोज लेते थे। कैसे ना कैसे पहुँच जाते थे, जहाँ भी बापूजी रुके होते थे वहाँ पहुँच करके कि मैं एक झलक सदगुरु के पालूं और मैं अपना व्रत उपवास तोड़ूं जो पूनम का व्रत रखा है। सुबह से चले, भोजन नहीं किया, पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा, कई लोग तो पानी का भी नियम लेके थे, कई लोग भोजन का लेते थे कि दर्शन करके ही। सांझ हो गई, रात हो गई, और वहाँ जाने पर भी बापूजी 9-10 बजे आराम कुटिया में चले जाते हैं, लेकिन ये भक्त बाहर इंतजार करते रहता है। आपने सबने देखा होगा इस आस से इस विश्वास से कि कहीं फिर से बापूजी एक झलक देने के लिए आ जाए। घंटों खड़े थे, सबको सानिध्य दिया था, सबको दर्शन गुरुजी ने दिया, सबको तृप्ति दी। उसके बाद जब आराम के लिए चले गए, फिर भी जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं है, मन भरता ही नहीं, मिलता भी है मिलता भी नहीं, दर्शन कर दिल मेरा भरता ही नहीं, ये जाने कैसा प्रेम लगाया है, ये मैं जानूं या सदगुरु जाने, कुछ तो मिला है इस दिल को, तभी तो बार बार हमको सदगुरु की तरफ हमारा खिंचाव होता है। और एक कौन सी पुकार है भक्त की कि गुरुदेव तो शयन कक्ष में चले गए आराम में, 11 बज गए, 12 बज गए, कभी 11 बजे भी इंतजार कर रहा है भक्त। और इस भक्त की प्रार्थना, इस भक्त की पुकार हमने देखी है कि बापूजी कई बार अपनी शयन कक्ष कुटिया से बाहर आ जाते हैं, और शायद ये भक्त की ही पुकार गुरुदेव के हृदय तक पहुंचती है कि अभी भी कोई मुझे पुकार रहा है, अभी भी कोई बाकी है जिसने दर्शन नहीं किया है, अभी भी कोई बाकी है जिसने कुछ खाया नहीं है। कैसा है उनका हृदय, कैसी है उनकी करुणा, और कैसा है उनका प्रेम कि अपना सुख अपनी निद्रा को भी त्याग करके उस भक्त की भावना को ध्यान रखने के लिए, उसकी भक्त की प्रार्थना सुनकर उसको दर्शन देने के लिए सदगुरु आ जाते हैं। इसलिए भक्त पुकारता है, सब कुछ होगा सब कुछ होगा ठीक पता है, ये वक्त भी टल जाएगा। सदगुरु प्यारा सतगुरु प्यारा आकर मेरे सिर पे हाथ घुमाएगा, दर पे तेरे दर पे तेरे आकर सतगुरु मैं विश्वास जगाऊंगा। कब होगा सब पहले जैसा मैं, कब मोटेरा आऊंगा, छू कर तेरे चरणों को जोगी, छू कर तेरे चरणों को जोगी, तेरा दर्शन पाऊंगा। कब होगा
होगा सब पहले जैसा मैं कब मोटेराऊंगा। भक्त आस लेके विश्वास लेके रोज प्रार्थना करता कि बापूजी फिर से वो दिन आ जाए, आप जल्दी से बाहर आ जाएं। आप सब के अंदर तो है लेकिन फिर भी भक्त की यही पुकार है हम सब की कि जल्दी से जल्दी बापूजी हम सब के बीच में पधारें और हम संकल्प करें, विश्वास रखें हमारे गुरुदेव आएंगे और आएंगे। हाँ, विश्वास को डिगाने वाले लोग थोड़े मिलेंगे लेकिन याद रखना सबरी को विश्वास को सबरी के विश्वास को डिगाने वाले लोग बहुत मिले थे लेकिन सबरी ने इधर और उधर की बात नहीं सुनी, न दाएं की सुनी, न बाएं की, न आगे की, न पीछे की। अपनी दृष्टि अपने सदगुरु के वचनों पर रखा कि सदगुरु ने कहा है, जब कहा था राम जी तो जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया था तब कहा था लेकिन राम जी का जन्म भी हुआ। लोग कहते थे कहाँ राम, कहाँ अयोध्या, कहाँ इधर पंपा सरोवर, इस कहाँ इस ओर आएंगे राम जी। लेकिन सबरी कहती थी राम जी ने जन्म लिया कि नहीं लिया, राम जी अयोध्या पर हैं और अयोध्या के मखमलियों पर चलने वाले कांटों के जंगल में कैसे आएंगे ये मुझे नहीं पता लेकिन मुझे मेरे गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है कि गुरुदेव ने कहा है कि राम जी आएंगे तो फिर गुरु का वचन मेटे ना कोई, गुरु नानक नानक हर सोई, आएंगे तो आएंगे। और इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है जीता है भरोसा ही, जब गुरु सहारा है मेरा भी जीवन तू सवारेगा, है भरोसा मुझे मेरी भी बिगड़ी तू बनाएगा, है भरोसा मुझे। तो ध्रुव की, प्रहलाद की और मीरा की, सबरी की, सबकी श्रद्धा और विश्वास की लाज भगवान ने रखी है तो हम सब की पुकार भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हम सब की पुकार भी भगवान परमात्मा अवश्य सुनेंगे। इसलिए बाहर के कोर्ट और कचहरी पे हमें विश्वास नहीं, हमें तो अपने गुरुदेव पर विश्वास है। और जिसको गुरुदेव पर विश्वास है वो ये कहता है सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी देश और विदेश में पूरे विश्व में आज भी सब साधकों के, सब करोड़ों करोड़ों भक्तों के हृदय में श्रद्धा प्रेम और विश्वास की ज्योत आज भी जगमगा रही है तो गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी और जगमगाएगी। और इसलिए आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है विश्व को, बापू जी जैसे बुद्ध महापुरुष की आवश्यकता है। युद्ध तो युद्ध से शांति नहीं, बापू जी जैसे बुद्ध महापुरुषों से शांति आती है। जहाँ जहाँ वो महापुरुष गए देश विदेश में सभी जगह शांति आई। अगर महापुरुष का मार्गदर्शन ना हो तो जिनके जीवन में ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का मार्गदर्शन रहा वो राजा भी महान हो गए। तभी तो राजा रामचंद्र जी की जय बोलते हैं, तभी तो राजा कृष्णचंद्र की जय बोलते हैं, तभी तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में राज्य किया, उनके छत्र छाया में रह करके गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में, आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त ने। तो ऐसे बापूजी हम सबके बीच में अवश्य आएंगे। तो आज ऐसे बापूजी के ज्ञान की आवश्यकता छोटे छोटे बच्चों को भी है, छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा चाहिए, बड़े युवाओं को, युवा धन सुरक्षा और युवा सेवा संघ के भी शिविर लग रहे हैं, बाल संस्कार के शिविर देश भर में लग रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो बापूजी के द्वारा 21,000 बाल संस्कार केंद्र, 20,000 युवा सेवा संघ, सैकड़ों गौशालाएँ, सैकड़ों गुरुकुल, 1400 समितियाँ, 450 आश्रम आज भी समाज के सेवा कार्यों में रत है। चाहे गर्मी है तो प्याऊ लगा लेते हैं, सर्दी है तो कंबल बांटते हैं, दिवाली आती है तो वस्त्र और मिठाई बांटते हैं, पूज्य बापू जी सिर्फ बांटते ही बांटते हैं, 12 महीने बांटते हैं और बांटे ही जा रहे हैं। तो ऐसे बापू जी को पाकर के क्यों ना भक्त गाए कि भक्त की पुकार ही ऐसी होती है कि तेरा नाम गाऊं तो एहसास होता है, क्यों ना कहे, क्योंकि उसका एहसास है भक्त को, इसलिए तो गाता है, तेरा नाम गाऊं तो एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है।